हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर, लेक्चर नंबर 14 एमएससी प्रीवियस के लिए। ये अपने यूनिट सेकंड चल रही है, लास्ट पोर्शन चल रहा है यूनिट सेकंड का। फर्स्ट यूनिट अपने पास लगभग कंप्लीट हो चुकी है और यूनिट सेकंड का लास्ट पोर्शन अपने पास चल रहा है। ठीक है, तो इस लेक्चर में अपन बहुत ही विशेष बात करने वाले हैं। तो पहले मैं ये बात कर दूं कि आप पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड सर्किल में ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को भेज दीजिए। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं एमएससी प्रीवियस का लेक्चर नंबर 14 क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है, देखिएगा इसकी जो अपन प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे उससे आगे चलते हैं। और यहाँ जो लेक्चर पढ़ेंगे वो आपके पास सीजी कोफिशिएंट्स की स्टार्टिंग होगी। क्या होगी? आपके पास सीजी कोफिशिएंट कैसे पढ़ा जाता है उसकी स्टार्टिंग होगी। तो इसमें अपन एक एंगुलर मोमेंटम का छोटा सा कंसेप्ट लेंगे और उनकी आइगन वैल्यूज की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा अपन उनकी आइगन वैल्यूज की कैसे स्टडी करेंगे। तो ये आपके पास मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, आपके पास देखिएगा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एंड दियर आइगन वैल्यू। दियर आइगन वैल्यू, ये आइगन वैल्यू नहीं आया क्या? ये आपके पास दियर आइगन वैल्यू। ठीक है, दियर आइगन वैल्यू, ये आपके पास आइगन वैल्यू है। ठीक है, तो आइगन वैल्यू की अपन को क्या करनी है? स्टडी करनी है। तो आपके पास आइगन वैल्यू की स्टडी करनी है तो इसके लिए एक क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या होगा कि आपके पास प्रूफ दैट जे प्लस एंड जे माइनस आर राइजिंग ऑपरेटर एंड लोवरिंग ऑपरेटर रेस्पेक्टिवली। आपके पास राइजिंग ऑपरेटर जे प्लस होता है और जे माइनस आपके पास लोवरिंग ऑपरेटर होता है, इसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एंगुलर मोमेंटम की बात कर लें अपन, ठीक है, तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम की बात कर लें अपने पास, तो देखिएगा एंगुलर मोमेंटम की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा अपन एंगुलर मोमेंटम की थोड़ी सी बात कर ले। तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम एक तो एक्स डायरेक्शन में होगा, एक तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में होगा जिसे अपन जी एक्स बोल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम एक एक्स डायरेक्शन में होगा, उसका एक्स कंपोनेंट मुझे जे एक्स मिला। ठीक है, वाई डायरेक्शन में चला तो मेरे को कंपोनेंट मिला जे वाई। ठीक है, और जेड डायरेक्शन में चला तो मुझे कंपोनेंट मिला जे जेड। ठीक है, और मुझे इनके कम्युनिकेटर रिलेशन भी पता होना चाहिए। कम्युनिकेटर रिलेशन बिटवीन जे एक्स जे वाई कितना होता है? आयोटा एच कट, तीसरा जो अपसेंट है जे जेड। मतलब अगर जे एक्स और जे वाई का कम्युनिकेटर रिलेशन देखना है तो आपके पास जो तीसरा अपसेंट है वो आपके पास आयोटा एच कट के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अगर कम्युनिकेटर रिलेशन आगे देखना है जे वाई और जे जेड का, तो आपके पास कौन सा अपसेंट है? जे वाई और जे जेड का कम्युनिकेटर रिलेशन देखना है तो आपके पास कौन सा अब्सेंट है? जे एक्स कंपो अब्सेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा? आयोटा एच कट जे एक्स। ठीक है, अब आपके पास तीसरा कम्युनिकेटर रिलेशन देखें कौन सा होगा? आपके पास जे जेड जे एक्स, ये आपके पास होगा आयोटा एच कट। तीसरा कौन सा अब्सेंट है? जे जेड जे एक्स, तो तीसरा आपके पास जे वाई अब्सेंट है। ठीक है, अब इनको उल्टा कर दिया जाए, जे वाई को पहले रख दिया जाए, जे एक्स को बाद में रख दिया जाए, जे जेड को इस दूसरे वाले में, जे जेड को पहले रख दिया जाए, जे जेड को पहले रख दिया जाए और जे वाई को बाद में रख दिया जाए, तीसरे में जे एक्स को पहले रख दिया जाए और जे वाई को बाद में रख दिया जाए। तो ऐसे आपके पास उस तरफ क्या चला जाएगा, दूसरी तरफ क्या चला जाएगा? आपके पास माइनस चला जाएगा। जैसे अगर जे जेड को यहाँ पर पहले रख दिया जाए, पहले नंबर पर जे जेड को रख दिया जाए और दूसरे नंबर पर आपके पास दूसरी सीट पर आपके पास जे वाई को रख दिया जाए, तो आपके पास दूसरी तरफ क्या जाएगा? माइनस आयोटा एच कट जे एक्स। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। तो इतनी बात अपने पास पहले तैयार होनी चाहिए जिससे अपन आइगन वैल्यू उसकी स्टडी कर सके। ठीक है, तो देखिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अब आगे चल रहे हैं अपन, तो अब आगे चलते हैं। तो देखिए अपन अब आगे चलते हैं। तो अपन को पता है कि जे जे प्लस की जो वैल्यू होगी आपके पास कितनी होगी? जे प्लस की जो वैल्यू होगी, तो देखिए इसको थोड़ा सा देखना, जे प्लस की जो वैल्यू होगी आपके पास कितनी होगी? जे प्लस की जो वैल्यू होगी, लेटर ऑपरेटर में अगर यूज लें इसको, एल प्लस भी इसको बोल सकते हो, तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है जे एक्स प्लस आयोटा जे वाई। दूसरी आपके पास जे माइनस की वैल्यू लिखें तो एल माइनस भी लिख सकते हो, इसकी वैल्यू होगी जे एक्स माइनस आयोटा जे वाई। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा,
नेक्स्ट आपके पास इनके कम्युनिकेटर रिलेशन देख लीजिए, इनके कम्युनिकेटर रिलेशन देख लीजिए। रिलेशन मतलब आपके पास जे प्लस और जे माइनस। देखिएगा अपन कम्युनिकेटर रिलेशन देखते हैं इनके, जे एक्स प्लस जे माइनस के। तो देखिए इसको अपन सॉल्व करेंगे चलें, तो ये वैल्यू रख दीजिए आप, रखोगे तो जे एक्स प्लस आयोटा जे वाई, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। दूसरा अपन लिख सकते हो ब्रैकेट, क्या दूसरा ब्रैकेट लिख सकते हो, तो देखिएगा दूसरा ब्रैकेट आपके पास है जे एक्स माइनस आयोटा जे वाई, ठीक है, दूसरा ब्रैकेट आपके पास ये, ठीक है। अब आगे सोल्व करें तो आपके पास क्या आएगा, जे प्लस और जे माइनस की क्या वैल्यू आएगी आपके पास, सबसे पहले जे एक्स की मल्टीप्लाई जे एक्स से करवा दीजिए, मतलब कम्युनिकेशन रिलेशन निकाल दीजिए। फिर इसके बाद में आपके पास प्लस आयोटा, और प्लस आयोटा नहीं माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा है इसके बाद में, ठीक है। आपके पास क्या वैल्यू आएगी वो देखिएगा, ये आपके पास जे एक्स की मल्टीप्लाई करवाओगे माइनस आयोटा जे माइनस आयोटा, ये आपके पास माइनस आयोटा बाहर आ गया, तो जे एक्स पहले है और जे वाई बाद में, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में आपके पास क्या बचेगा, इसके बाद में जे वाई की मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस आयोटा, और जे वाई पहले है तो जे वाई को पहले रख दिया, जे वाई का आपके पास पहले को है, इसके बाद में जे एक्स है तो इसके बाद में जे एक्स रख दिया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जे, अगर यहाँ पर जे वाई पहले तो जे एक्स बाद में, तो जे एक्स को बाद में रखोगे, ठीक है। यहाँ पर जे एक्स पहले और जे वाई बाद में, तो जे वाई को बाद में रखोगे, ठीक है। इसके बाद में आगे चलोगे तो आपका आगे क्या बनेगा, तो आयोटा आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा आयोटा यहाँ से आयोटा और यहाँ से आयोटा निकलेगा और यहाँ से आयोटा निकलेगा, ये आपके पास आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और ये माइनस पहले से है तो आपके पास -1 मल्टीप्लाई होके +1 बन जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा जे एक्स जे वाई और जे वाई। और मैंने पहले रिलेशंस को स्टडी करवाया है, पहले जो आपके पास जो भी रिलेशंस रहते हैं उसकी मैंने स्टडी करवाई है, जो भी आपके पास जो पहले रिलेशंस रहते हैं उनकी मैंने बात की है। कैसे बात की है, वो आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो सेम होते हैं, यानी आपके पास कम्युनिकेशन रिलेशन सेम होते हैं, उनकी वैल्यू 0 होती है। एक्स एक्स ले लिया, ये आपके पास सेम है तो इनके कम्युनिकेशन रिलेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो वैल्यू देगा वो आपके पास ये ही देगा, तो जे प्लस जे माइनस में कौन वैल्यू देगा आपके पास, ये वैल्यू देगा माइनस आयोटा। और प्रीवियस में अपन ने जे एक्स और जे वाई को क्या पढ़ा था, जे एक्स और जे वाई को पढ़ा था आयोटा एच कट जे जट, ये पढ़ा था, क्योंकि कम्युनिकेशन रिलेशन जे प्लस और जे जे प्लस नहीं, ठीक है। तो आपके पास जो कम्युनिकेशन रिलेशन होगा किसमें, जे एक्स और जे वाई का क्या होता है, जे एक्स और जे वाई का कम्युनिकेशन रिलेशन क्या पढ़ा था अपन ने, ये अपन ने पढ़ा था आयोटा एच कट जे जड, तो ये आपके पास आयोटा एच कट जे जड हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, ये आपके पास आयोटा एच कट जे जड हो गया। अब मुझे आगे इसको सोल्व करना है, तो देखिएगा आगे किसे मैं किस तरीके से इसे सोल्व करूंगा, ठीक है। अब इसकी जगह क्या लिखूंगा, अब ये आपके पास प्लस आयोटा, और ये आपके पास जो सीट है, ये आपके पास सीट चेंज हो चुकी है, यहाँ पर ये आपके पास पहले नंबर पे ये आ चुका है, दूसरे नंबर पे ये आ चुका है, तो आपके पास क्या हो चुकी है, ये सीट चेंज हो चुकी है, ठीक है। सीट ये आपके पास चेंज हो चुकी है, तो ये आयोटा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, माइनस आयोटा, ये आपके पास वैल्यू आएगी माइनस आयोटा, और आपके पास एच कट और जे जट, एच कट जे जट, ये वैल्यू आएगी, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आएगी, ठीक है। अब ये आपके पास वैल्यू आएगी, अब आगे सोल्व कीजिए, तो ये आपके पास आयोटा आयोटा क्या हो गया, माइनस आयोटा बन के क्या हो गया, माइनस आयोटा हो गया, और ये पहले से माइनस लगा हुआ है, तो आपके पास क्या होगा, 1 हो जाएगा एच कट जे जट। और यहां पर भी आपके पास ये आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस वन और पहले से माइनस है, वो बन के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, एच कट जे जट, ठीक है। तो आपके पास जो रिलेशन आएगा वो आपके पास आएगा टू एच कट जे जट, ये आपके पास आएगा, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिएगा, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए। अब अपने को जे प्लस और जे माइनस का जो रिलेशन मिला है वो आपके पास कितना मिला है, जे प्लस और जे माइनस का रिलेशन मिला है टू एच कट जे जेड, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए।
ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए, नोट डाउन करते जाइएगा साथ साथ में, ठीक है, साथ साथ में आप नोट डाउन करते जाइएगा। अब अपन को एक कुछ चीजें कंसिडर करना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ चीजें कंसिडर करना चाह रहे हैं। लेट अस कंसिडर, कुछ चीजें अपन कंसिडर करना चाह रहे हैं। लेट अस कंसिडर आपके पास फाई बीटा म्यू, ये वैल्यू अपन कंसिडर करना चाह रहे हैं। ये आपके पास कोई भी फंक्शन है जिसका बेसिस, ये आपके पास कोई भी फंक्शन है जिसका बेसिस आपके पास कितना है, बीटा और म्यू आपके पास जिसका बेसिस है। बेसिस का मतलब इस पे डिपेंडेंसी रिप्रेजेंट करता है। आपके पास जो वाई फाई वेव फंक्शन है उसमें मैंने बीटा और म्यू दो अपने पास बेसिस लिए इसके, जो आपके पास डिपेंडेंसी रिप्रेजेंट करता है, किस पे, फाई वेव फंक्शन पे डिपेंडेंसी रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपन लिखोगे इज ए स्टेट फंक्शन, इज ए स्टेट स्टेट ऑपरेटर, इज ए स्टेट ऑपरेटर, इज ए स्टेट ऑपरेटर, या आपके पास क्या है, स्टेट ऑपरेटर है, स्टेट ऑपरेटर, देन जे स्क्वायर एंड जे जेड, जे स्क्वायर एंड जे जेड विथ आइगन वैल्यूज, विथ आइगन वैल्यूज, आइगन विथ आइगन वैल्यूज, विथ आइगन वैल्यूज, आपके पास जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, एच क्रॉस स्क्वायर बीटा, एच क्रॉस स्क्वायर बीटा, इसकी आइगन वैल्यू क्या लेंगे, एच क्रॉस स्क्वायर बीटा। जे स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या ले रहे हैं अपन, जे स्क्वायर की जो यहाँ पर आइगन वैल्यू ले रहे हैं वो आपके पास क्या होगी, एच स्क्वायर बीटा, एच स्क्वायर मतलब जो ऑर्डर टू का ऑर्डर है वही अपन आइगन वैल्यू कंसिडर करके चल रहे हैं, कोई भी ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे। जैसे आपके पास पावर टू है तो पावर आपके पास टू है तो वही टू वाला आपके पास आइगन वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, बेसिस वही रहेंगे इसके, बेसिस आपके पास जो वेव फंक्शन होगा, आपके पास क्या वैल्यू क्या होती है, आपके पास वैल्यू होती है ए ऑपरेटर, साइन पे ऑपरेटर होता है, फिर आपके पास लैम्डा साइन, ये आपके पास मिलता है। ए तो आपके पास ऑपरेटर है, साइन आपके पास वेव फंक्शन है, और ए आपके पास जब साइन वेव ऑपरेटर वेव फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो आपके पास आइगन वैल्यू देता है और एक आपके पास आइगन फंक्शन प्रोवाइड करता है, समझ गए। तो आपके पास जिसका आपके पास ऑपरेटर क्या ले रहे हैं, जे स्क्वायर ले रहे हैं, तो उसका आइगन वैल्यू भी एच क्रॉस स्क्वायर लेंगे, कोई कॉन्स्टेंट कंसिडर कर रहे हैं अपन, तो जे स्क्वायर के लिए कॉन्स्टेंट क्या कंसिडर करेंगे, एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। अब अपने पास नेक्स्ट, आपके पास एंड किसके लिए, जे जेड के लिए क्या कंसिडर करेंगे, जे जेड के लिए आपके पास एच क्रॉस म्यू कंसिडर करेंगे, एच क्रॉस म्यू कंसिडर करेंगे। अपन ने बीटा और म्यू को दो जगह डिवाइड कर दिया, एक एच स्क्वायर के साथ बीटा चला गया और एच क्रॉस स्क्वायर के साथ बीटा चला गया और एच क्रॉस के साथ म्यू चला गया, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ऐसा लिख सकते हो रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली, ठीक है, इतना नोट डाउन कर सकते हो, रेस्पेक्टिवली ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, रेस्पेक्टिवली अपन लिख सकते हैं। थोड़ा सा जूम करूं क्या मैं, जूम करूं इसको, लिखना चाहो तो लिख लीजिए, जूम कर देता हूं, लिख दीजिए, ठीक है, लिख दीजिए फटाफट, लिख दीजिएगा, ठीक है, फटाफट लिख दीजिए, जूम कर दूंगा, ले लिखे फटाफट लिखिएगा, जो जूम कर देता हूँ, फटाफट लिख लीजिए ये वैल्यू इक्वेशंस, ठीक है, जूम कर देता हूँ, लो लिख दीजिए, चलेंगे आगे, लिख दीजिएगा आराम से, लिख दीजिए, चलो नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं अपन। अपन ने बात कर ली कि आपके पास जे स्क्वायर जब आप ऑपरेट करवाओगे किसी भी वेव फंक्शन फाइव बीटा बीटा म्यू पे, फाइव बीटा म्यू पे ऑपरेट करवा रहे हो, किस पे ऑपरेट करवा रहे हो, फाइव बीटा म्यू पे ऑपरेट करवा रहे हो, तो आपके पास क्या वेव फंक्शन मिलेगा, आपके पास जो आपके पास आइगन फंक्शन मिलेगा वो आइगन वैल्यू जो मिलेगी वो आपके पास एक तो ये मिलेगी किसके रेस्पेक्ट में, जे स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, जो आपके पास जे स्क्वायर के रेस्पेक्ट में मिलेगी, और ये मिलेगी आपके पास जे जेड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर पावर फर्स्ट है, तो उसकी उसी पावर का आपके पास क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बोलिएगा, आइगन वैल्यू मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन,
ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं अपन। ठीक है, अब आगे देखिएगा, दो अपन ने आइगन वैल्यू ले ली, तो अब आपके पास क्या होगा, जी स्क्वायर को कंसिडर करना है। ठीक है, ये बड़ा आ गया क्या, ये बड़ा आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास जे स्क्वायर को कंसिडर करना है। ठीक है, जे स्क्वायर को कंसिडर करना है, तो आपके पास जे स्क्वायर को कैसे कंसिडर करोगे, जे स्क्वायर को कंसिडर करना है, तो देखिएगा जे स्क्वायर को कैसे कंसिडर करोगे, फिर से बड़ा आ गया यार, छोटा ही है। ठीक है, जे स्क्वायर को कंसिडर करना है अपन को, जे स्क्वायर जेड को कंसिडर करना है, तो बड़ा ही रहने दीजिए। ठीक है, जे स्क्वायर जेड को कंसिडर करना है, तो वो आपके पास कैसे कंसिडर करोगे, जेड नहीं है आपके पास, केवल जे स्क्वायर है, तो जे स्क्वायर को कंसिडर करना है, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, जे स्क्वायर को कंसिडर किया तो आपके पास वेव फंक्शन होगा, तो वेव फंक्शन अपन गेट फॉर्मेट में लिखेंगे, क्वांटम स्टेट की गेट फॉर्मेट में लिखेंगे साइन बीटा म्यू, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, ये आपके पास किसके बराबर होगी, ये आपके पास किसके बराबर होगी, ये आपके पास होगी एच क्रॉस बीटा, प्रीवियस में अपन पढ़ चुके हैं, इस किसके बराबर होगी, एच क्रॉस बीटा और साइन बीटा म्यू। ठीक है, ये इसके बराबर होगी, ये अपन क्वांटम स्टेट को शो कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, एक क्वांटम स्टेट है, इसको शो कर रहे हैं, क्वांटम स्टेट को शो कर रहे हैं अपन, इस तरीके से क्वांटम स्टेट को शो कर रहे हैं एज ए वेव फंक्शन, एज ए वेव फंक्शन, एज ए वेव फंक्शन। ठीक है, तो आगे देखिएगा, एज ए वेव फंक्शन अपन इसको शो कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब आगे, ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब आपके पास एज ए वेव फंक्शन को शो कर रहे हैं, अब अपन किसको शो कर रहे हैं, जे को शो कर रहे हैं साइन बीटा म्यू, इसको शो करें तो आपके पास क्या आएगा, एच क्रॉस म्यू साइन बीटा म्यू, ये आपके पास बनेगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब अपने पास जो रिलेशन है उस पे अब अप्लाई करेंगे, अपना रिलेशन अप्लाई करेंगे, वी नो दैट अपन अपना एक रिलेशन अप्लाई करेंगे, अपने पास वी नो दैट कौन सा रिलेशन होगा आपके पास, ये आपके पास होगा जे जड और जे प्लस को आप कम्युनिकेशन रिलेशन लोगे। ठीक है, कम्युनिकेशन रिलेशन लोगे जे क्रॉस जे प्लस और जे, जे जड का और जे प्लस का कम्युनिकेशन रिलेशन लोगे, तो आपके पास जे जड को तो ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, जे जड को ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, जे जड को आप ऐसा का ऐसा लिख दीजिए, और आपके पास जे प्लस को क्या लिखोगे, जे एक्स प्लस आयोटा जे वाई। ठीक है, ऐसा लिख दीजिए, अब आपके पास ये आपके पास इस तरीके से लिख सकते हो, तो आपके पास मल्टीप्लाई करवाइए आगे आगे, आप मल्टीप्लाई किससे करवाओगे, सबसे पहले जे जड को जे एक्स के साथ लिखोगे, इसके बाद में आयोटा भार जे जड को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, जे वाई के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे। ठीक है, क्या कैसे किया मैंने ये रिलेशन कैसे लगाया, तो देखिएगा यहां पर मैंने रिलेशन लगाया आपके पास, ए मिटो के चलता हूं मैं इसको, तो ये आपके पास जो रिलेशन लगाया मैंने वो आपके पास होगा ए ए और ये आपके पास बी प्लस सी, तो इसका जो रिलेशन आएगा आपके पास क्या आएगा, ए बी और प्लस ए सी, ये आपके पास रिलेशन आएगा, इस तरीके से इस रिलेशन को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब अपन क्या कर रहे हैं कि अब सब अपन ने लिख दिया कि आपके पास इसको सबसे पहले इसके साथ लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसको इसके साथ लिखेंगे, जो ये प्रॉपर्टी है इसका मैंने क्या किया, यूटिलाइज किया, ये आपके पास क्या है, प्रॉपर्टी है मैंने इसका अपन ने यहां पर क्या किया, यूटिलाइज किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अपन किस तरीके से इसको आगे देखते हैं, तो देखिएगा नेक्स्ट अपने पास क्या चलेगी, वैल्यूज आगे देखिएगा, वैल्यूज क्या चलेंगी। ठीक है, तो वैल्यूज देखिए अपने पास आगे कैसे चलती हैं, तो अब अपने पास आगे अब अगर अपन आगे लिखें तो जे जड को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, जे एक्स के साथ, और जे एक्स के साथ अपन ने कम्युनिकेशन रिलेशन लगाया, और शुरू शुरू में अपन ने पढ़ा था कि आपके पास जे एक्स के जे जड के साथ जे एक्स का कम्युनिकेशन रिलेशन लगाते हो तो क्या वैल्यू आती है आपके पास, आयोटा एच कट जे वाई, यही आती है क्या, आयोटा एच कट जे वाई, यही वैल्यू आपके पास आती है, आयोटा एच कट जे वाई, लिख लीजिए रिलेशन, सबसे पहले जे एक्स जे वाई का लगाते हो,
ठीक है। इसके बाद में जे वाई, जे जेड का लगाते हो, जे वाई सॉरी सॉरी जे वाई किसके साथ लगाते हो, जे वाई और जे वाई और जे जेड का, सॉरी जे वाई और जे जेड का ही लगाते हो, फिर जे जेड और जे एक्स का लगाते हो। ठीक है, अपन यहां पर जे जेड और जे एक्स का लगा रहे हैं, तो आयोटा एच कट जे वाई लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में प्लस का चिन्ह आयोटा, इसके बाद में जे जेड और जे वाई का, जे जेड और जे वाई का कम्युनिकेशन रिलेशन क्या होगा आपके पास, जे जेड और जे वाई का, इसका उल्टा होगा ना, इसका जस्ट उल्टा होगा, तो इसकी जगह आपके पास माइनस आयोटा एच कट जे एक्स, ठीक है, ये लगा देंगे। तो आपके पास लगा दीजिए, आपके पास आयोटा एच कट जे वाई, और ये आपके पास माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, आयोटा आयोटा क्या हो गया, माइनस हो गया, और माइनस माइनस, और ये आपके पास पहले से माइनस मौजूद है यहाँ पर, तो आपके पास आयोटा आयोटा माइनस का, और ये पहले प्लस का हो जाएगा, प्लस एच कट जे एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एच क्रॉस कॉमन ले लीजिएगा, एच क्रॉस कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा आपके पास, जे एक्स प्लस आयोटा जे वाई, ये बनेगा। ठीक है, ये आपके पास क्वांटिटी बनेगी। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, एच क्रॉस जे प्लस लिख सकते हो, एच क्रॉस जे प्लस लिख सकते हो, और यहां पर अगर कम्युनिकेशन रिलेशन जे लिखा है अपन ने, जे जेड और जे प्लस को लिखा है, तो इसको ओपन कर दीजिए, तो जे जेड और जे प्लस और आपके पास माइनस का चिन्ह, जे प्लस और जे जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच क्रॉस जे प्लस, इक्वेशन नंबर 4। कैसे किया यहाँ पर, जो प्रॉपर्टी किसका यूज किया अपन ने, ए बी का कम्युनिकेशन रिलेशन कैसे करते हो, ए बी माइनस बी ए इस तरीके से करते हो, तो वही अब मैंने यहाँ पर यूटिलाइज किया है। ठीक है, आगे देखिए, नोट करते जाइए साथ साथ में। ठीक है, तो ये आपके पास प्रॉपर्टी हो गई। अब अपने पास क्या कीजिए, अब अपने पास जे जेड प्लस को एक तरफ रखिए, जे जेड जे प्लस को एक तरफ रखिए, बाकी को इस तरफ ले जाइए, एच क्रॉस जे प्लस, और इसको इस तरफ ले आइए, इसको इस तरफ लाओगे तो जे प्लस जे जेड। ठीक है, आगे देखिएगा, अगले पेज पे कर देता हूं, या फिर ऐसा समझे यही कर देता हूं। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा यहां पर, ये वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 5 बोल दीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 बोल दीजिए। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपने पास ये इक्वेशन नंबर 5 आ चुकी है, अब आगे देखिएगा किस तरीके से इसको शॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, इसको देखिएगा आगे किस तरीके से शॉर्ट आउट करते हैं इसको, तो देखिएगा आपके पास ये आ चुकी है वैल्यू। तो अब क्या कीजिए इसमें, जे थोड़ा सा मोटा कलर ले लेता हूं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये जे जड और जे प्लस, इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो इसमें जे जे प्लस, इसमें भी जे प्लस कॉमन ले लीजिए, तो जे प्लस मैंने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बना, एच क्रॉस प्लस जे जेड, एच क्रॉस जे जेड, ये आपके पास बन गया। ठीक है, तो आगे देखिएगा अपन किस तरीके से इसको शॉर्ट आउट करते हैं, देखिए आगे इसको कैसे शॉर्ट आउट करते हैं अपन प्रॉब्लम को, तो देखिएगा किस तरीके से शॉर्ट आउट करते हैं, देखिएगा अपन इसको कैसे शॉर्ट आउट करते हैं। तो आपके पास ये वैल्यू है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, तो आपके पास जे प्लस जे जेड जे प्लस इक्वल टू क्या बनेगा, अब यहां पर ये इक्वेशन बनी है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, मिटो के चलता हूं मैं इसको, तो ये आपके पास क्या बने हैं, ये आपके पास इसके साथ किसका ऑपरेटर करवा दीजिए, साई बीटा म्यू को ऑपरेट करवा दीजिए साथ में, साई बीटा म्यू को ऑपरेट करवा दीजिए, और यहां पर किससे साथ ऑपरेट करवाओगे आप, यहां पर जे प्लस है और जे प्लस है, और यहां पर किससे किसके साथ ऑपरेटर करवा दोगे, एच क्रॉस प्लस जे जेड और यहां पर साइन बीटा, दोनों तरफ अपने पास वी कैन ऑपरेट लिख सकते हो, वी कैन ऊपर यहां पर लिख दीजिएगा, मैंने यहां पर लिख देता हूं, वी कैन ऑपरेट ऑपरेट्स साइन बीटा म्यू बोथ साइड। ठीक है, इसको मैं दोनों साइड अपने पास ऑपरेट करवा देता हूँ। ठीक है,
दोनों साइड क्या करवा देता हूं मैं, इसे ऑपरेट करवा देता हूं। जैसे मैंने ऑपरेट करवा दिया तो अगले पेज में देखिएगा, ठीक है, अगले पेज में देखिए अपने पास कैसे करते हैं इसको। तो ये आपके पास मैंने ऑपरेट करवा दिया दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड मैंने ऑपरेट करवा दिया। अब प्रीवियस पेज में भी देख सकते हो कैसे ऑपरेट करवाया है, एक बार देख लीजिएगा प्रीवियस पेज में। देखिए एक बार मैं चेक कर देता हूँ कौन सा पेज है, मिल नहीं रहा पेज, तो चलिए अपने ऑपरेट करवा दिया, ठीक है। आप फिर वीडियो को पीछे करके देख लेना एक बार, मैं सिस्टम को समझ रहा हूँ, थोड़ा सिस्टम समझ में आ जाएगा तो आपको प्रॉपर रूप से मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप आगे देखिएगा, अब मैंने ऑपरेट करवा दिया दोनों साइड, तो दोनों साइड मैंने ऑपरेट करवा दिया, तो इक्वेशन जो आपके पास इक्वेशन 5 बनी है, ये कलर भी अलग हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 बनी है, इक्वेशन नंबर 5 बनी है, जो पहले वाली इक्वेशन बनी है वो इक्वेशन नंबर 5 बनी है। उसमें अगर मैं ऑपरेट करवाता हूँ, जो मैं लिख देता हूँ, वापस लिख देता हूँ वो इक्वेशन, जब आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा, जे प्लस जे माइनस, इसके साथ अपन ने साइन बीटा म्यू को ऑपरेट करवाया हुआ है, और इसके बाद में अपन ने किसको ऑपरेट करवाया हुआ है, इसमें आपके पास जे प्लस एच क्रॉस, एच क्रॉस जे प्लस एच क्रॉस साइन बीटा म्यू, इसके बाद में किसको ऑपरेट करवाया हुआ है अपने, जे प्लस और जे प्लस और जे प्लस और जे जड साइन बीटा म्यू, उसको ओपन कर दिया मैंने। पहले वाली इक्वेशन को मुझे याद है कि इसको मैंने अलग अलग लिखा हुआ था, जे इसको मैंने अंदर लगा दिया, इसको मैंने इसमें अंदर ऑपरेट करवा दिया, ठीक है। अब आगे देखिएगा इसको सोल्व करने का जो तरीका रहेगा, जे जे जेड जे माइनस साइन बीटा म्यू इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा, तो देखिए मैंने जे प्लस एच क्रॉस साइन बीटा म्यू, ठीक है। अब यहां पर एच प्लस आ गया, तो मैंने प्रीवियस प्रॉपर्टी बताई थी एक, कंसिडर करवाई थी आपसे कि एक आपके पास वेव फंक्शन है, उस पर कोई भी ऑपरेटर करवाओगे तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको एक आइगन वैल्यू मिलेगी, वो मैं आपके पास लिख देता हूं, यहां पर ब्रैकेट में लिख देता हूं मैंने क्या लिखवाया था, मैंने आपके पास मैंने लिखवाया था जे प्लस, याद रखो ये सारी बातें याद होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। इक्वल टू क्या आया था आपके पास, एच क्रॉस न्यू आया था, एच क्रॉस न्यू, और आपके पास साइन बीटा न्यू, ठीक है, ये वैल्यू आई थी। तो यहां पर ऑपरेट करवा दीजिए प्रॉपर्टी बाय, प्रॉपर्टी बाय, ठीक है। अब यहां पर प्लस करवा दीजिए, तो आपका जे प्लस को इसके साथ ऑपरेट करवा रहे हो, जे प्लस को साइन बीटा म्यू के साथ ऑपरेट करवा रहे हो, तो क्या बनेगा, एच प्लस ये लगा दीजिए, एच क्रॉस म्यू साइन बीटा म्यू, ठीक है, ये आपके पास बनेगा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट लगाइएगा, नेक्स्ट ये आपके पास बनेगा, तो अब इसमें से कॉमन ले लीजिए एच क्रॉस साइन बीटा म्यू, एच क्रॉस साइन बीटा म्यू, एच क्रॉस साइन बीटा म्यू, एच क्रॉस साइन बीटा म्यू कॉमन ले लीजिए, तो जे प्लस जे माइनस, जे प्लस है, सॉरी सॉरी ये प्लस है आपके पास, प्लस प्लस प्लस, ये जे प्लस है साइन बीटा म्यू, साइन बीटा म्यू, ठीक है। ये आपके पास क्या बना, ये आपके पास बना, यहां पर से आप क्या कॉमन लोगे, यहां पर जे प्लस को छोड़ दीजिए, जे प्लस को छोड़ दीजिए और एच क्रॉस को कॉमन ले लीजिए, यहां पर भी जे प्लस है और यहां पर भी जे प्लस है, एच क्रॉस है तो एच क्रॉस को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा आपके पास, बनेगा आपके पास, और यहां पर साइन बीटा म्यू भी कॉमन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो आपके पास बनेगा वो बनेगा, यहां तो वन बनेगा, ठीक है, यहां पर तो वन बनेगा और यहां पर म्यू बनेगा, दैट्स पॉइंट, दैट इज द पॉइंट इक्वेशन नंबर 6, दैट इज द इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 6 क्या डेस्क्राइब कर रही है, इक्वेशन 6 आपके पास क्या डेस्क्राइब कर रही है, दीज इक्वेशन शोज दैट, क्या शो कर रही है आपके पास, ये आपके पास शो कर रही है जे जे प्लस इज ए राइजिंग ऑपरेटर, राइजिंग ऑपरेटर, कैसे कैसे हुआ जे प्लस राइजिंग ऑपरेटर, यहां पर आपके पास म्यू है, म्यू एक बेसिस है, उसमें मैंने एक जुड़ गया, एक जुड़ने पर आपके पास जो टोटल नंबर है म्यू प्लस वन में आपके पास क्या हो गया,
इंक्रीमेंट आ गया, म्यू प्लस वन में क्या आ गया आपके पास, इंक्रीमेंट आ गया। तो ये आपके पास म्यू प्लस वन में इंक्रीमेंट आ गया, प्लस क्या हुआ आपके पास जे प्लस एच क्रॉस। तो ये आपके पास जे जब आप ऑपरेटर करवाते हो, जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हो आपके पास एंगुलर मोमेंटम का, और साथ में यूज लेते हो जे प्लस, साथ में यूज लेते हो जे प्लस, तो इसका जब अपन इसमें ऑपरेटर करवाते हैं तो आपके पास क्या बनता है म्यू प्लस वन बनता है। और म्यू प्लस वन के आपके पास क्या होता है, म्यू प्लस वन के आपके पास क्या होता है कि ये राइज हो रहा है, पूरा वैल्यू आपके पास क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो ये राइज हो रहा है किसके कारण राइज हो रहा है, ये आपके पास राइज हो रहा है जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कारण ये आपके पास राइज हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास यहां कह सकते हो राइजिंग ऑपरेटर, इक्वेशन सिक्स आपके पास इस तरीके से आ गए, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोवरिंग ऑपरेटर पढ़ेंगे तो म्यू माइनस वन आ जाएगा आपके पास, लोवरिंग ऑपरेटर पढ़ेंगे जो आपके पास इसमें क्या आ जाएगा म्यू माइनस वन आ जाएगा, वो एक बार देख लीजिएगा, इसको समझ गए पूरे को। अब आगे देखिए, तो अब अपने पास लोवरिंग ऑपरेटर, लोवरिंग ऑपरेटर, लोवरिंग ऑपरेटर को डिस्क्राइब कर दीजिएगा। लोवरिंग ऑपरेटर में क्या डिस्क्राइब करोगे, यहां से आप लोगे जे जे जड जे माइनस, इसको यूटिलाइज लोगे और क्या बनाओगे यहां पर आपके पास क्या बनेगा, आपके पास जे प्लस जे जड और जे माइनस लोगे तो आपके पास क्या बनेगा एच क्रॉस माइनस एच क्रॉस जे माइनस। और पहले क्या बना था एक बार मैं देख के बता देता हूं, पहले आपके पास क्या बना था, तो आपके पास पहले बना था इसकी जगह एच क्रॉस जे प्लस बना था, अगर अपने पहले याद हो आपके पास जे जड और जे प्लस का अपन ने यूज लिया था, तो ये क्वांटिटी आपके पास बनी थी, ये क्वांटिटी बनी थी, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया था, फिर इसको ओपन किया था किससे, ए बी माइनस बी ए से, इसको क्या किया था मैंने ओपन किया था, ये क्वांटिटी आपके पास बनी थी। तो यहां पर जे माइनस आ जाएगा, केवल माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब इसको ओपन कर दीजिए, जे प्लस जे माइनस माइनस जे माइनस जे प्लस जे माइनस और जे जड इक्वल टू माइनस एच क्रॉस जे माइनस, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आप कर दीजिए जे जड और जे जे माइनस को एक तरफ रखिए, इसको दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो आपके पास ये वैल्यू क्या बनेगी, आपके पास दूसरी तरफ भेजोगे तो एच क्रॉस जे माइनस प्लस जे माइनस जे जड, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें से कॉमन कॉमन तो आएगा नहीं, तो इसमें से कॉमन भी ले सकते हो, जे माइनस कॉमन ले सकते हो दोनों में, तो आपके पास क्या बनेगा जे जेड माइनस एच क्रॉस, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास जे जेड और जे माइनस बना, जे जेड और जे माइनस की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये आपके पास हुई जे माइनस जे जेड माइनस एच क्रॉस। अब ऑपरेट करवा दीजिए दोनों तरफ, जे जेड जे माइनस साइन बीटा म्यू इक्वल टू जे माइनस जे जड माइनस एच क्रॉस साइन बीटा म्यू, समझ गए। अब आगे देखिएगा अपन क्या कर रहे हैं, तो यहां पर अपने ऑपरेट करवा दिया, तो जे जड जे माइनस साइन बीटा म्यू, और क्या बना आपके पास, ये आपके पास बना अब जे जड और माइनस एच क्रॉस है, जे जड माइनस एच क्रॉस है, तो अगर आप जे जड जे माइनस को बाहर रखिए तो जे जड साइन बीटा म्यू, इसको अंदर ऑपरेटर करवा दीजिए एच क्रॉस साइन बीटा म्यू, ठीक है। ये थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा अपनी फोटो को अलग कीजिए, साइन बीटा म्यू, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ही रख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो आपका साइन बीटा म्यू आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको क्रॉस, अब सारी वैल्यूज रख दी अपन ने, तो आगे देखिएगा तो क्या बनेगा आपके पास जे जड जे माइनस, तो आपका साइन बीटा म्यू किसके बराबर होगा, आपके पास जे जेड और साइन बीटा म्यू को अगर ऑपरेट करवाते हो तो आपके पास क्या बनेगा एच क्रॉस म्यू साइन बीटा म्यू, ये बनेगा। और इसको थोड़ा सा नीचे ले आइए अपने को, तो आपके पास क्या बनेगा एच क्रॉस साइन बीटा म्यू,
ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, एच क्रॉस कॉमन बाहर ले लीजिए, एच क्रॉस बाहर ले लीजिए और साइन बीटा म्यू बाहर ले लीजिए, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा म्यू माइनस वन, ठीक है, ये म्यू माइनस वन बनेगा जे जेड जे माइनस, ये आपके पास साइन बीटा म्यू किसके बराबर आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा, इसको थोड़ा सा आगे रख दीजिए, तो देखिएगा मैं आगे रख रहा हूँ, ठीक है, तो आपके पास बनेगा जे जेड जे माइनस साइन बीटा म्यू इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, जे जेड एच क्रॉस म्यू माइनस वन और आपके पास साइन बीटा म्यू, इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 7 डिस्क्राइब, इक्वेशन 7 सो दैट शोज दैट, क्या शो करती है आपके पास इक्वेशन नंबर 7, शो दैट जे माइनस इज ए लोवरिंग ऑपरेटर, लोवरिंग ऑपरेटर, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या हुआ है यहां पर, म्यू माइनस वन आ गया, ठीक है, म्यू माइनस वन आ गया, तो म्यू माइनस वन में आपके पास क्या होगा कि आपके पास पूरे पूरे नंबर में पूरा ये म्यू क्या है आपके पास, बेसिस है, म्यू क्या है आपके पास, बेसिस है, तो बेसिस में क्या होगा, बेसिस आपके पास नंबर कम हो जाएगा, बेसिस का नंबर कम हो जाएगा, कितना नंबर कम हो जाएगा, वन माइनस वन नंबर कम हो जाएगा बेसिस का, तो ओवरऑल म्यू माइनस वन की जो वैल्यू हो जाएगी, म्यू माइनस वन की जो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी वो कम हो जाएगी, जैसे आपके पास म्यू माइनस वन की ओवरऑल कम हो जाएगी, यानी आपके पास पूरा नंबर आपके पास ये कम हो जाएगा, पूरा नंबर आइगन वैल्यू आपके पास कम हो जाएगा, जब ये आपके पास आइगन वैल्यू कम हो जाएगा तो अब अपन बात कर सकते हैं कि आपके पास किसके कारण कम हुआ, क्या कौन इसमें साजिश कर रहा था, किसके कारण ये वैल्यू कम हुई, ये आपके पास है जे माइनस, और जे माइनस किस पे ऑपरेटर हुआ है, जे माइनस आपके पास मल्टीप्लाई किससे हुआ, जे जेड के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और वेव फंक्शन कौन सा ऑपरेट करवाया इसने, वेव फंक्शन ऑपरेट करवाया साइन बीटा म्यू, और आपके पास म्यू बीटा और म्यू आप क्या कह सकते हो, बेसिस, बेसिस ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है, तो अपन ने प्रूफ किया इक्वेशन नंबर 7 तक प्रूफ किया कि आपके पास क्या होता है कि एक जे प्लस राइजिंग ऑपरेटर होता है, और जे माइनस आपके पास, जे प्लस तो राइजिंग ऑपरेटर होता है, जे माइनस आपके पास लोवरिंग ऑपरेटर होता है, ठीक है, अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन सीजी कोफिशियंट, और उससे पहले थोड़ी सी सीजी कोफिशियंट को बनाने के लिए, सीजी कोफिशियंट को बनाने के लिए अपन उनकी एक्सप्रेशन को, उनके एक्सप्रेशन को अपन डिफरेंट वे में लिखेंगे, डिफरेंट कॉन्स्टेंट वे में लिखेंगे, तो डिफरेंट कॉन्स्टेंट वे आपके पास मैं बता देता हूँ कौन कौन से कॉन्स्टेंट वे होंगे आपके पास, एक तो सी, ये आपके पास सी बीटा म्यू और आपके पास डी बीटा म्यू, डी बीटा म्यू, इनके इनको आइगन वैल्यू मानते हुए, इनको आइगन वैल्यू मानते हुए इनके रिस्पेक्ट में अपन एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद में अपन सीजी कोफिशियंट पे हमला बोलेंगे, और जितने भी सीजी कोफिशियंट है, अब कई बोलते हैं कि वन वन हाफ हाफ ये कैसे लिखा, सब अपन एक्सप्लेन करेंगे, क्या आपके पास सीजी कोफिशिएंट की बातें होंगी, सारी अपन बातें एक्सप्लेन करते चलेंगे, तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में सीजी कोफिशिएंट पढ़ेंगे और कुछ एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, और जिनके कोफिशिएंट अपन लेंगे सी और डी, जिनके आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में अपन इनकी बात करेंगे, ये 6 नंबर इक्वेशन और 6 नंबर इक्वेशन और 7 नंबर इक्वेशन को डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे, ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहिए, और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, थैंक यू।